हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आशीष गौतम स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये इन्वायरमेंटल साइंस जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर उस स्टूडेंट को पढ़नी पड़ती है जो ग्रेजुएशन कर रहा है। जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, चाहे वो बीए कर रहा हो, चाहे वो बीकॉम, चाहे बीएससी, एनी अदर कोई भी कोर्स कर रहा हो ग्रेजुएशन लेवल का, तो उसे इन्वायरमेंटल साइंस यानी कि ईबीएस का पेपर एक ज़रूर देना पड़ता है, क्योंकि ये एसीसी है यानी कि एबिलिटी हैनेजमेंट कंपलसरी कोर्स है। ये देख रहे होगे आप, एबिलिटी हैनेजमेंट कंपलसरी कोर्स एईसीसी, ठीक है। एसीसी का पहला ही पेपर होता है ये आपका ईबीएस। तो EBS का जो आपका पेपर यूनिक कोड है, ध्यान रखना, सारे SOL के स्टूडेंट हो, चाहे आप DU के रेगुलर स्टूडेंट हो, NCBAB हो, चाहे ये सभी के लिए होता है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से लगे हुए हो और आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे यानी कि UG लेवल पे आप कोई भी कोर्स कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो आपको EBS पढ़नी पड़ेगी। और EBS जब पढ़ोगे तो आपका पेपर हो, जब होगा तो उसका पेपर यूनिक कोड जो होगा वो 7218-2801 होगा, 7218-2801, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आखिरकार किस प्रकार का पेपर है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपको ड्यूरेशन मिलेगी वो आपको 3 घंटे की मिलेगी, ठीक है। जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 75 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। आगे बढ़ें तो इसके दिशा निर्देश थोड़े पढ़ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस प्रश्न पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए, यानी कि अपना आपको रोल नंबर लिखना है। जैसे ही आपको अपना क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा यहाँ पर इस वाले बॉक्स में, ठीक है, रोल नंबर लिखने के बाद आगे क्या कह रहा है यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है कि इस प्रश्न पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए, ठीक है। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, कि आपको कोई 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आखिरकार किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है जो पहले का कै पार्ट जो है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं। पहला क्वेश्चन है जो कितने मार्क्स का है, अगर हम देखें मार्क्स को तो ये आपका 10 नंबर का है, ठीक है। ये देखिए, 10 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स है आपको। यहाँ पर लिखना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये सबको पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है EBS अगर आप पढ़ रहे हो तो, ठीक है। इसमें देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, वो है खाद्य श्रृंखला के नेटवर्क को क्या कहा जाता है, तो आपको रिक्त स्थान में भरना है। तीसरा क्वेश्चन है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का एक उदाहरण दीजिए, बहुत अच्छे सिंपल क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है भारत में एक प्रमुख स्थल का नाम बताइए, गैंडा के संरक्षण हेतु भारत का राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, उसे आपको रिक्त स्थान में भरना है। एक अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र है, ठीक है, वो क्या चीज़ है जो एक अवसादी जैव भू रासायनिक चक्र होती है। आपका सातवां प्रश्न है ओजोन परत में ह्रास का कारण क्या है, ओजोन परत में जब ह्रास होता है तो उसका कारण क्या है, वो आपको रिक्त स्थान में भरना है। आपका सातवां क्वेश्चन है एक पारितंत्रीय पिरामिड जो हमेशा ऊर्ध्वाधर होते हैं वो कौन से कहलाते हैं, आपको भरना है। एक पारितंत्रीय पिरामिड होता है वो कौन सा है जो हमेशा ऊर्ध्वाधर होते हैं। नौवा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संघ यानी कि IUCN द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक है जिसमें संकटग्रस्त जानवरों और वनस्पतियों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है। तो उस पुस्तक का नाम क्या है, वो ही आपको यहाँ पर लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। आपका दसवां क्वेश्चन है वो है 1992 के रियो डे जेनेरियो के भूमंडल सम्मेलन यानी कि अर्थ सिमट के नाम से भी जानते हैं इसे, अर्थ सिमट के नाम से, में स्वीकृत वैश्विक कार्य योजना को क्या कहा जाता है, ठीक है। जो वैश्विक कार्यों के लिए योजना बनाई गई थी उसे क्या कहा जाता है, रियो डे जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था, ठीक है। इस प्रकार को से आपके 10 क्वेश्चन हैं जो पहले के ए पार्ट में 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। इसका बी पार्ट है यानी कि खै में देखिए खै का जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, तो देखें इंग्लिश वाले में लिखा हुआ है, ये लिखा 5:1, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए, और आपको कोई पांच करने हैं, ठीक है। एक परिभाषा लिखने पे आपको एक नंबर मिलेगा। तो पर्यावरण अनुकूल की परिभाषा देनी है आपको, दूसरी है स्थानिक ओर की स्टोन प्रजातियों की परिभाषा देनी है आपको, निर्वहनीय विकास की परिभाषा देनी है कि निर्वहनीय विकास किसे कहते हैं, जैव मंडल की परिभाषा देनी है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देनी है, वनोन्मूलन की परिभाषा देनी है, ई कचरा की परिभाषा देनी है आपको। तो ये सात क्वेश्चन है, सात में से कोई आपको पांच अटेम्प्ट करने हैं, और जिसमें आपको जो है परिभाषित करना है, ठीक है, और एक एक नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपके 5×1 बराबर हुए 5, और ऊपर कितने नंबर का था वो आपका था 10 नंबर का, तो 10 और 5 हो गए 15। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन 15 नंबर के एवरेज में आता है। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो उसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं किन्हीं 3 पॉइंटों पर, ठीक है। आ रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस है, तो हिंदी में हम जरा देख लेते हैं। किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए है हरित गृह गैस, यानी कि ग्रीन हाउस गैस कहते हैं जिसे, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। जैव विविधता के लिए संकट, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसे कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये 4 दे रखे हैं, 4 में से किन्हीं 3 पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, ठीक है, यानी कि टिप्पणी लिखनी है। कितने मार्क्स का है ये, 3×5, यानी कि आपको जो है 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, और एक पर टिप्पणी लिखने पे आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से टोटल ये क्वेश्चन 15 नंबर का हुआ। तो अगर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ रुक करें तो कौन सा क्वेश्चन है जरा देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है ये, देखिए कहाँ है ये, यहाँ पर लिखा होता है, इंग्लिश वाले वर्जन में सबसे ऊपर रहता है, ठीक है, ये सॉरी इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर डिफरेंट आपको बताना है दोनों के बारे में। निम्नलिखित में अंतर बताइए, निम्नलिखित में अंतर बताना है सभी का, ये आपको करना होगा। यहाँ पे 3×5 4 क्वेश्चन है यहाँ पर आपको जो है, ये 4 क्वेश्चन है और आपको 5 करने होते हैं इसमें, पर यहाँ पर जो नंबर मिलते हैं वो टोटल आपको 15 ही मिलेंगे। ये किस हिसाब से है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो एग्जामिनर होते हैं वो अपने हिसाब से देते हैं कि इसमें टोटल में 15 किस एवरेज से देने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई आपको 3 करने हैं, ठीक है, इतना समझ में आया। ये सॉरी हमने ऊपर ये नहीं देखा कि कितने करने हैं, तो 3 करने हैं, ठीक है, 3 करने हैं, और आपको 3 करोगे तो एक क्वेश्चन जब करोगे तो उसके आपको 5 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से टोटल मार्क्स हुए आपके 15, ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में। तो आपको कोई 3 करने हैं, यहाँ पर इंटू भी आ रहा है, इसका भी मतलब हम समझ लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। निम्नलिखित में अंतर बताइए, तो यथास्थल एवं वायस्थल संरक्षण किसे कहते हैं, इसमें अंतर बताना है। ताज़ा जल परितंत्र और समुद्री जल परितंत्र, इसमें अंतर बताना है। जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट किसे कहते हैं, इसमें अंतर बताना है। जैवीय और अजैवीय कारक में अंतर बताना है। तो 4 क्वेश्चन है, 4 में से कोई 3 अटैम्प्ट करने हैं, और आप एक का अटैम्प्ट करने पे आपको 5 नंबर मिलेंगे, और तीनों अटैम्प्ट करने पे आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन जो अंतर पे आधारित था। चौथे क्वेश्चन की तरफ रुक करें, ये रहा, ठीक है, चौथा क्वेश्चन जो है वो पहला पार्ट, इसमें ए पार्ट और बी पार्ट में बना हुआ है, जिसका पहला पार्ट 7 नंबर का है और दूसरा पार्ट इसका 8 नंबर का है। तो जो हमारा चौथा जो क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट देखते हैं, यानी कि के पार्ट देखते हैं, जो क्या कह रहा है, मानव जाति को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के संदर्भ में जैव विविधता की भूमिका पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। इसका खै क्वेश्चन है वो है, विश्वव्यापी उष्णता के क्या कारण हैं, मानव समुदाय पर कृषि पर पड़ने वाले इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए, ठीक है। विश्वव्यापी उष्ण का क्या कारण है और मानव समुदाय एवं कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके प्रभावों की विवेचना यहाँ पर आपको करनी है। अगर देखिए पांचवे क्वेश्चन की तरफ रुक करें तो पांचवा क्वेश्चन आपको ऐसी ही है, वो पहला पार्ट इसका 8 नंबर का है, तो अगला पार्ट इसका 3 नंबर का है और अगला पार्ट 4 नंबर का है, ठीक है, ऐसे ही ये बना हुआ है। पर पांचवा क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यहाँ पर पहला 8 नंबर का है, बी पार्ट इसका 3 नंबर का है और सी पार्ट इसका 4 नंबर का है। इस प्रकार से आपके 16 नंबर हुए टोटल, और वो 15 ही जुड़ेंगे वहाँ पे, तो आपके क्योंकि वो एवरेज बना के चलते हैं। तो देखते हैं आखिरकार पहला 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, इसमें आपका
पहला क्वेश्चन है पर्यावरणीय संरक्षण, वो सॉरी पर्यावरण संरक्षण में भारतीय संस्कृति और परंपरा किस प्रकार योगदान करती है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण में जो इंडियन कल्चर है वो जो रीति रिवाज हैं वो जो परंपराएं किस प्रकार से हेल्प करती हैं उसके ऊपर आपको संक्षिप्त विवेचना करनी है पर्यावरण की सुरक्षा में जन जागरूकता की भूमिका को रेखांकित करते वक्त। ठीक है, रेखांकित करना है आपको जन जागरूकता के रूप में जो सुरक्षा है वो पर्यावरण की किस प्रकार से है, पर्यावरण संरक्षण में इंडियन कल्चर किस प्रकार से योगदान करता है उसी पर ही आपको संक्षिप्त विवेचना करनी है। आपका अगला जो क्वेश्चन है खै उसकी तरफ देखें तो वो है भारतीय मैदानों में बाढ़ों को पुनरावृत्ति पर नियंत्रण के लिए आपदा प्रबंधन की भूमिका की विवेचना कीजिए, कि भारतीय मैदानों में जब बाढ़ आती है तो उसे दोबारे से सुधार करने के लिए कंट्रोल करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन की क्या रोल होता है उसी पर आपको विवेचना करनी है। इसका गै क्वेश्चन है वो है भूकंप के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए गए हैं। ठीक है, तो भूकंप को कम करने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए गए हैं वही आपको यहाँ पर लिखना है। अगर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करें तो वो छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पर ये दो पार्ट में बटा हुआ है, पहला पार्ट ए है दूसरा पार्ट बी है। अगर इसकी तरफ हम रुख करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए इसमें पहला पार्ट है जो आपका 8 नंबर का है, अगला पार्ट 7 नंबर का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ठीक है, वायु प्रदूषण के कारण लिखने हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वायु प्रदूषण हर बार पढ़ते हैं और वायु प्रदूषण के द्वारा दिल्ली सरकार ने मतलब कि सरकार ने क्या कदम उठाने चाहिए उनको आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, जिसके आपको 8 नंबर मिलेंगे। अगला पार्ट है इसका बांधों के निर्माण जैव विविधता एवं स्थानीय जनजातियों के लिए एक समस्या है। जब बांधों का निर्माण होता है तो जो हमारी जैव विविधता है और जो स्थानीय जनजातियां उनके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, उसी प्रॉब्लम को यहां पर आपको विवेचना करना है और एक उदाहरण सहित आपको बताना है इस समस्या के निराकरण के लिए, यानी कि इस समस्या के निवारण के लिए कौन सा उपाय अपनाना चाहिए वो ही आपको बताना है कि इसका कैसे हम निवारण कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करें तो जो आपका 7वां क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्कस करना है हमें। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन 8 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन 7 नंबर का है, ये भी इसी प्रकार से बटा हुआ है। तो जिसमें अगर इसका पहले पार्ट की बात करें तो वो है ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों के मध्य अंतर पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, यानी कि आपको ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय जो स्रोत हैं उनके दोनों के मध्य ही आपको अंतर बताना है, बताते हुए प्रकाश डालना है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा के कौन कौन से वैकल्पिक स्रोत हैं, स्रोत के तौर पर नाभिकीय ऊर्जा के इस्तेमाल के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष को स्पष्ट कीजिए, यानी कि जब हम ऊर्जा का वैकल्पिक उपयोग करते हैं जो हमारे पास स्रोत हैं तो नाभिकीय ऊर्जा का इस्तेमाल अगर हम ऊर्जा के स्रोत के रूप में करें जो हमारी एटॉमिक एनर्जी है उसका अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, दोनों इम्पैक्ट को लिखना है। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एनर्जी का नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत उन पर भी आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, जो 8 नंबर का है। अगले क्वेश्चन की बात करें जो आपका 7 नंबर का है तो वो है आपका खै जो है पर्यावरणीय आंदोलन का कोई एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए जैव विविधता के संरक्षण और पर्यावरण की सुरक्षा में इसकी क्या भूमिका की विवेचना कीजिए, कि पर्यावरण आंदोलन जो है उदाहरण आपको देना है किस प्रकार से जो जैव विविधता है बायोडाइवर्सिटी जो है उसकी उसको सेफ रखने में और आपका इन्वायरमेंटल की सेफ्टी के लिए कौन कौन सी चीज़ें बेहद ज़रूरी हो जाती हैं पर्यावरण आंदोलन में, आपको उदाहरण सहित बताना है कि पर्यावरण आंदोलन जैव विविधता और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए किस प्रकार से रोल निभाता है। ठीक है, उसकी ही आपको यहाँ पर विवेचना करनी है। अगर 8वें क्वेश्चन की बात करें तो 8वां क्वेश्चन है आपका जो 3 पार्टों में बटा हुआ है, पहला पार्ट 8 नंबर का है, दूसरा पार्ट इसका 3 नंबर का है और तीसरा पार्ट इसका 4 नंबर का है। इस प्रकार से ये 16 मार्क्स हुए, यानी कि 3, 4, 7 और 8 आपके 16। अगर यहाँ पर देखें पहला क्वेश्चन देखें तो वो है प्रदूषण के स्रोत के रूप में शहरों में औद्योगिकरण की भूमिका पर प्रकाश डालिए और ऐसे किन्हीं 2 उपायों की चर्चा कीजिए जो इसके प्रभावों पर नियंत्रण को ध्यान में रखकर अपनाए गए हैं, यानी कि प्रदूषण के स्रोत जो हैं उसके रूप में शहरों में जो औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बढ़ रहा है प्रदूषण के स्रोत के रूप में उसके ऊपर यहाँ पर आपको प्रकाश डालना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे किन्हीं 2 उपायों की चर्चा कीजिए जो इनके प्रभाव और उसके कंट्रोल
ठीक है, प्रभाव जो इसके प्रभाव पड़ रहे हैं उस पर कंट्रोल हम ला सकें, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रदूषण इतना हो रहा है इस पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी आपको ध्यान में रख के बताना है, जो 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है, तेल रिसाव से आप क्या समझते हैं, समुद्री प्रदूषण में वे किस प्रकार से सहायक होते हैं। ठीक है, तेल रिसाव से तुम क्या समझते हो वो आपको बताना है, और समुद्री प्रदूषण में वो किस प्रकार से सहायक होते हैं उसका यहाँ पर उल्लेख करना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है, ध्वनि प्रदूषण के लंबे समय तक प्रभाव में रहने के कारण स्वास्थ्य संबंधी कोई 2 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है कि जो आपका ध्वनि प्रदूषण होता है, नॉइस पॉल्यूशन जो होता है, उस में जब हम प्रभाव में आ जाते हैं तो हेल्थ संबंधी जो हमारी कोई 2 प्रॉब्लम आपको यहाँ पर उल्लेखित करनी है। ठीक है, अगर देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुक करें तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं, और यहाँ पर तुम जब देखोगे तो आपके टोटल 8 क्वेश्चन हैं, और 8 में से आपको कितने अटैम्प्ट करने हैं, कोई 5 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप कि तुम देखिए, हमने ऊपर ही पढ़ा था कि सबसे ऊपर लिखा हुआ था, अगर हम यहाँ पर देखें गिरा किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, यानी कि 15 नंबर के एवरेज के हैं सारे क्वेश्चन, और 8 क्वेश्चन हैं, 8 में से कोई आपको 5 करने हैं। तो आपको EVS का क्वेश्चन पेपर पूरी तरह समझ में आ गया होगा तो किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है, आई होप कि आपको सही तरह समझ में आ गया होगा। तो हम मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए हमारे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से तुम्हें ये पता लग जाएगा जैसे ही हमारी इससे रिलेटेड और वीडियो आ जाएंगी, और हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे अंदर और वीडियो बनाने का मोटिवेशन आता है। तो हम मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।